नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कोटेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन मंदिर पर हुआ रुद्राभिषेक। गुना कोटेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन मंदिर है जो कि लगभग एक शताब्दी पुराना है। शिव मंदिर या जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं वो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर एक अद्भुत चमत्कारिक माना जाता है। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। वैशाख माह के उपलक्ष्य में एक मास का पाठ पूरा होने के उपलक्ष्य में आज श्री कोटेश्वर महादेव शिव परिवार का रुद्रा महाअभिषेक किया गया। जलाभिषेक कर नए वस्त्र धारण किए गए, पूजा अर्चना की। इसके उपरांत कोटेश्वर महादेव मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भोले के भक्तों ने मंदिर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर महादेव के दर्शन किए। इस अवसर पर रामजी शर्मा, देवेश शर्मा, घनश्याम शर्मा, यदुनंदन शर्मा, दीपेश शर्मा, भानु परसोत्तम, मोहित योगेश शर्मा उपस्थित रहे। गुना से नरेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। आज यहाँ पर श्री कोटेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बैसाख के मास में पूरा आज हुआ है, उसके उपलक्ष्य में श्री अभिषेक कोटेश्वर महादेव पर सभी भक्तगण इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही मान्यता है यहाँ की। ये एक मास का पारण पूरा होने के उपलक्ष्य में श्री कोटेश्वर महादेव का रुद्र अभिषेक किया गया है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 150 साल पुराना, और ये सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा विसंतम हृदारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। शिव समान दाता नहीं चपतारण सबकी राखियो नंदी रे अश्वा नव पार्वती पते हर हर।